सो देयर वाज अ टाइम, एक टाइम था जब जो ब्रेन डिसऑर्डर्स हैं, दिमागी बीमारी हैं, जैसे एडिक्शन, डिप्रेशन, तो मैं भी उससे अनजान थी. एडिक्शन का तो मैंने सुन रखा कि जो लोग ज़्यादा नशा करते हैं, बट एडिक्शन एक बीमारी है. इवन आई डोंट नो, आई डिडंट नो एट वन टाइम. ठीक है, तो जब मेरे हस्बैंड का ट्रीटमेंट हुआ यहाँ पे 2011 में, तो एडिक्शन के साथ साथ मुझे डॉक्टर ने बोला इनको बाइपोलर डिसऑर्डर है, और वो मैंने कभी सुना भी नहीं था. आई डिडंट नो व्हाट इट इज़. ठीक है, मैंने कैसे समझा, मैंने कैसे सिंप्लीफाई करा, जिस तरह से आप लोग बैठे हैं उसी तरह से मेरी भी ट्रेनिंग हुई, और मैंने उसको सिंप्लीफाई करके, बहुत सिंप्लीफाई करके, बीमारी के दायरे में जैसे समझा वो मैं आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ. ठीक है, हम सब ने सुना है कि ब्लड प्रेशर के मरीज़ होते हैं, हमारे पास है भी ब्लड प्रेशर का मरीज़. ठीक है, तो ये बताएंगे कि जब आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, आपको कैसे पता लगता है कि ब्लड प्रेशर बढ़ गया? ठीक है, कैसे, क्या होता है? हेडेक. ठीक है, एक बहुत जो कॉमन सिम्टम है वो है थ्रॉबिंग होना दिमाग में, आई मीन ब्रेन में. तो जिस तरह से ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो एक्यूट हेडेक होता है, उसी तरह से हमारे शरीर में, ब्रेन में केमिकल्स होते हैं. ठीक है, अगर ब्लड प्रेशर के बढ़ने से, डॉक्टर कहता है ना ब्लड प्रेशर ठीक है, ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, ब्लड प्रेशर कम हुआ हुआ है, तो अगर ब्लड प्रेशर के बढ़ने और घटने से बॉडी में इफ़ेक्ट आता है, पर्सन को महसूस होता है, बिल्कुल उसी तरह से हमारे ब्रेन में भी केमिकल हैं, रसायन है, 200 से ज़्यादा हमारे ब्रेन में केमिकल्स हैं. तो जब कोई केमिकल बढ़ता है तो उसका असर होता है, जो केमिकल अगर घटता है तो उसका भी इफ़ेक्ट होता है. ठीक है, तो हमारे केमिकल, क्योंकि हमारे जो थॉट्स हैं वो हमारे दिमाग से आते हैं, हमारे जो फीलिंग्स और इमोशंस हैं हम यहाँ से महसूस करते हैं. राइट शाहान, शाहान कहाँ से सोचता है? लेग से, आर्म से, पेट से? शाहान कहाँ से सोचता है? ठीक है, तो क्योंकि ये सारे के सारे, क्या कह रहे हैं, व्हाट इज ही सेइंग? अच्छा, और साथ में मूवी बना रहा है, इसको सब पता है. ठीक है, ये आप ध्यान से सुनिए, क्योंकि अगर हम वैसे ही बात करें ना कि मूड ख़राब है, डिप्रेशन हुआ हुआ है, एक्साइटमेंट आई हुई है, तो इस तरह से हम समझ नहीं पाएंगे इन बीमारियों को. ठीक है, अगर हम शरीर की तरह इन बीमारियों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि अगर ब्लड प्रेशर बढ़ने से सर फटता है, तो डोपामिन नाम का एक केमिकल है हमारे ब्रेन में, जब ये बढ़ जाता है तो हमारा दिमाग तेज़ी में चला जाता है. दिमाग तेज़ी में चला जाने का मतलब, दिमाग क्या करता है, सोचता है, तो जब दिमाग की स्पीड बढ़ जाएगी तो सोचें भी बढ़ जाएंगी. ठीक है, इसी तरह सेरोटोनिन नाम का केमिकल है हमारे ब्रेन में, अगर ये घट जाता है, कम हो जाता है, तो हमें डिप्रेशन आ जाता है. सो ये जो जितनी भी दिमागी बीमारियां हैं, किसी को शक हो रहा है, किसी को हलूसिनेशन हो रही है, किसी को डिल्यूजन हो रही है, किसी के थॉट्स ही नहीं रुक रहे, एक के बाद एक के बाद एक के बाद वो थॉट्स ख़त्म हो रहे हैं, ये हम सब फैमिलीज़ के लिए है. ये नहीं कि ज़रूरी जो पेशेंट नशा करते हैं, एडिक्शन में हैं, सिर्फ उनको ये होता है, इसके बिना भी हमारे केमिकल्स बढ़ते घटते हैं. अगर कोई ज़िंदगी में हादसा हो जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई बॉडी में कमी रह जाए, अगर हमारा केमिकल कोई पूरा नहीं बनता है, जैसे खून पूरा नहीं बनता है, तो हमारे ये केमिकल इम्बैलेंसेस हो सकते हैं. ठीक है, इसलिए
ये एक शारीरिक बीमारी है, ये नहीं आप सोचो, आप अपने आप को समझाओ और ये केमिकल ठीक हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। अगर दिमाग की मशीन से सोचे निकलती हैं और इस मशीन में अगर केमिकल डिसऑर्डर हो जाए तो हमें ये सारी तकलीफें आती हैं, होती हैं, जिसकी वजह से हम यहाँ पर बैठे हैं। जैसे आपने बोला, कभी ये ठीक बात करती है, कभी ऐसी बात करती है, ये क्यों हो रहा है? क्योंकि इनके दिमाग के जो केमिकल हैं वो ऊपर नीचे हो रहे हैं, अभी उनमें स्थायी नहीं हुए हैं, वो अभी उनमें संतुलन नहीं आया, बैलेंस नहीं आया, ठीक है। और जब भी दिमाग के केमिकल ऊपर नीचे होते हैं, हमारे मूड भी ऊपर नीचे होते हैं, हमारी सोचें भी अफेक्टेड होती हैं। इसलिए जो लोग एडिक्शन में हैं, क्योंकि केमिकल बाहर से अंदर जा रहे हैं, जो ड्रग्स हैं, जो खाना पीना है, कॉफ़ी है, अल्कोहल है, कोई भी चीज़ है, वो हमारे दिमाग में केमिकल रिएक्शन पैदा करती है और इसकी वजह से हमें डिप्रेशन आता है, हम मेनिया में जाते हैं। तो हमारे बहुत सारे जो पेशेंट हैं एडिक्शन वाले, उनको ऑटोमेटिकली जब ये केमिकल इम्बैलेंस होता है तो मूड डिसऑर्डर होता है उनको, बाइपोलर डिसऑर्डर। पोल्स क्या होते हैं? पोल्स नॉर्थ, अच्छा बताओ। ओके ओके, वेरी नाइस, वेरी गुड। सो नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, ठीक है, मतलब दो एक्सट्रीम्स। तो जब भी केमिकल इम्बैलेंस होगा, या तो केमिकल बढ़ेगा, अगर केमिकल रश होगा तो हमारा पेशेंट मेनिया की तरफ जाएगा। और मेनिया के सिम्टम होते हैं कि हमारा ये जो मशीन है, ये मशीन दिन में कोई 60,000 सोचे संभाल सकता है, 60,000 थॉट्स इन अ डे। और अगर ये मशीन की स्पीड हो जाए तो क्या होगा? मान लो स्पीड है 100, अगर ये 200 पे चला गया तो 1,20,000, जिसके लिए ये मशीन नई बनी है, उसको कहते हैं एक्साइटमेंट, तेज़ी, कि अब तेज़ी आ गई है। तो जब दिमाग तेज़ होगा तो सोचें बढ़ जाएंगी। मान लो एक सोच आई, जल्दी से मुझे ये खाना है, दूसरी सोच आई, मुझे ये करना है, तो हमारे पेशेंट की एक्टिविटी बढ़ जाती है, उसकी जो इरिटेबिलिटी है वो बढ़ जाती है, क्योंकि उसका दिमाग और जो उसकी रियलिटी होती है वो मैच नहीं करती। सोचें उसे इतनी ज़्यादा आ रही है और जो बाहर की दुनिया है वो अपनी नॉर्मल स्पीड पे चल रही है। सो, हमारे पेशेंट में मेनिया की वजह से चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है, एक्टिविटी बढ़ जाती है, सोचें बढ़ जाती हैं, आइडियाज़ बहुत सारे आने लगते हैं, रेस्टलेसनेस हो जाती है, अनस्टेबिलिटी हो जाती है, टिका नहीं रहता, वो टिक नहीं पाता एक जगह पर, हर तरह की क्रेविंग बढ़ जाती है, किसी की खाने की क्रेविंग बढ़ जाती है, किसी की शॉपिंग के लिए क्रेविंग बढ़ जाती है, किसी को ग्रैंडियोसिटी, ग्रैंडियोस आइडियाज आते हैं कि मैं ये बिजनेस कर लूँ, मैं ये भी कर लूँ, मैं ये भी कर लूँ, और कुछ कोई आप इससे एसोसिएट करते हैं? आपका कुछ ऐसा कभी फेज आया? एवरीथिंग, ईटिंग, और जब हमारा ब्रेन की स्पीड हमारे बस में नहीं रहती, आउट ऑफ कंट्रोल होती है, तो हमारी इम्पल्सिविटी बढ़ जाती है, हम इम्पल्सिव डिसीजन बिना सोचे समझे, बिकॉज अब ये समझ वाली काम पोर्शन तो काम ही नहीं कर रहा, अब तो तेज स्पीड में ये गाड़ी चल रही है, इसमें हम रॉन्ग डिसीजंस मेक कर लेते हैं, हम रॉन्ग एक्शंस मेक कर लेते हैं, हम रॉन्ग रिश्तों में पड़ जाते हैं, हमारी सेक्सुअल क्रेविंग भी बढ़ जाती है, हमारी मोबाइल से रिलेटेड क्रेविंग बढ़ सकती है। अगर हम टीवी देखते जा रहे हैं तो हम टीवी देखते जा रहे हैं, कोई भी एक्टिविटी। तो इसके पीछे जो वजह है वो है केमिकल डिसऑर्डर। सो, जब हमारा ब्रेन तेज़ी में जाता है, थोड़ा डोपामिन जब बढ़ता है
तो हम उसको कहते हैं ये थोड़ा इलेटेड है, ये थोड़ा सा तेजी में है, तो उसके थोड़े थोड़े सिम्टम होते हैं। जब वो एक्साइटमेंट जब उसकी और बढ़ती है तो हम बोलते हैं कि ये अब मेनिया की तरफ जा रहा है, अब डोपामिन नाम का केमिकल और बढ़ गया है, यानी कि ब्लड प्रेशर और बढ़ गया है, शुगर लेवल और बढ़ गया है, इसी तरह से ये केमिकल और बढ़ गया है, तो उसकी ब्रेन की स्पीड और तेज़ हो जाएगी और उसमें वो सिम्टम्स आने लगेंगे। जैसे कुछ पेशेंट्स हमारे मेनिया में आते हैं और वो बोलते हैं कि मेरे अंदर सुपर पावर आ गई है, मैं भगवान बन गया हूँ, मेरी बातचीत डायरेक्ट भगवान से होती है, और हम इस बात पे हंसते हैं जबकि उसे सच में लग रहा होता है। उसको अजीब अजीब ख्याल आते हैं, उसको शक हो जाता है, अजीब अजीब ख्याल, समथिंग जो रियलिटी से कट चुका है, यानी कि मूड तो ऊपर नीचे हो रहा था, अब थॉट डिसऑर्डर भी हो गया, अब केमिकल इतना बढ़ गया कि दिमाग में खिचड़ी बन गई, हमें ये नहीं पता हम कहाँ बैठे हैं, हम किससे बात कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं लाइफ में। हमारा ब्रेन एक अलग ही दुनिया बसा लेता है, उसमें आवाज़ें सुनाई देना, चीज़ें दिखना, शक होना, फियर हो जाना, ये हो जाना कि कोई CCTV लगे हैं, सब मुझे ही देख रहे हैं, ये हमारे पेशेंट शेयर करते हैं। तो ये सारी चीज़ें के पीछे जो चीज़ है वो केमिकल डिसऑर्डर है, तभी कहा जाता है दिमागी बीमारियां शारीरिक बीमारी है।